सो दोस्तों इस वक्त असी मौजूद हाँ जी गुरदीप सिंह दे घरे पिंड रौनी तो जिहड़ा नौजवान तकरीबन मतलब दा एक महीने तो बाद ओह अज उहदी रिहाई होई आ जी तिहाड़ जेल दे विचों दिल्ली विखे जो किसानी अंदोलन दे दरम्यान उन्हां नूं अरैसट किया गया सी। सो उन्हां दे घर दीआं तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो कुछ ही मिंटां दे विच ओह अपने इत्थे घर पहुँच रहे ने। घर दे विच आपां देखदे हां किस तरह दा माहौल आ। सो आओ माड़ा आपां देखिए जी। सो तुसीं वेख सकते हो कि गुरदीप सिंह दे जिहड़े माता ने उन्हां दे जिहड़े वाइफ ने वह बैठे ने उन्हां दी उड़ीक कर रहे हैं। एक दो मिनटां दे विच विच ही गुरुद्वारे मत्था टेक रहे हैं। सो घरे वह पहुँच रहे हैं। सो आपां गल करके वेखदे हां। माता जी अज तकरीबन एक महीने तो बाद जिहड़े गुरदीप सिंह ने अज अपने घर वह वापसी कर रहे हैं, किस तरह लग रहा तुहानूं? सानूं बहुत खुशी हो रही है जी। घर एक महीने बाद घर परते ने, बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद है सब का जिन्होंने साडा सहयोग दिता। बहुत खुशी हो रही है सानू, उन्हों का भी धन्यवाद सारिया का। बिल्कुल बिल्कुल। सो हुण गुरदीप सिंह जिहड़े अपने वाइफ ने अते उन्हां दे बच्चा जिहड़ा उह भी साडे दरम्यान ने, तुसीं किस तरह देखदे हो क्योंकि एक महीने तुसीं वेट कीती है जी? हाँ जी, सानू बहुत खुशी हो रही है जी कि साडे फैमिली दे विच उह आ रहे ने, अपने बेटे नूं मिलणगे, अज अपनी फैमिली नूं मिलणगे। सानू बहुत ज़्यादा धन्नवीर खुशी हो रही है कि असी मनजिंदर सिंह सिरसा ते वकीलां दी टीम दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां जी, उन्हां ने साडी मदद कीती है। इह अपने उन्हां दा लड़का इह याद तां करदा डेली उन्हां नूं? हाँ जी हाँ जी, बहुत याद करदा जी अपने पापा नूं। बस ठीक है। सो दोस्तों जिस तरह अभी देखिया कि वह कुछ ही मिनटों के बच्च इतने अज अपने घर वह वापस आ रहे हैं तकरीबन एक महीने तो बाद। सो गुरुद्वारे वह मत्था टेक रहे हैं। सो वह भी तो तस्वीर असी दिखावे। लो जी दोस्तों अभी देख सकते हो कि गुरदीप सिंह अपने इस वक्त घर पहुँच चुके हैं। लो जी माता जी उन्हों का बेटा तुम वेख सकते हो। लो जी पहुँच चुके ने गुरदीप सिंह जी अपने घर और मिल रहे ने अपने बेटे नू। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 31 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ, ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਕੱਟਿਆ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੌਣੀ ਵਿਖੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 2 ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ। ਦੋਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਠੋਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਰਨਗੇ ਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ 21ਵੇਂ ਸਵੇ ਗੁਰੂ 20ਵੇਂ ਸਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ।
चलो ठीक है जी, धन्यवाद, तुसीं अपना करो जी, इसे खुशियां मनाओ जी। ठीक है। सो दोस्तों, जिस तरह तुसीं वेख ही रहे हो कि जिहड़े गुरदीप सिंह ने तकरीबन एक महीना तो बाद अपने जिहड़े जद्दी पंडरौनी विखे पहुंचे ने, काफ़ी जिहड़ा खुशियां दा माहौल आ उन्हां दे घर आ। सो आपां गल करके वेखदे हां गुरदीप हुणां नाल ही। गुरदीप सिंह जी, अज एक महीने बाद अपने तुसीं परिवारक मैंबर नूं मिले हो, की कहना चाहुंदे हो उस ते? बहुत खुशी है भाई जी, एक महीने तो जेल च बंद थी, पता ही है सानूं सारिआं नूं, बहुत खुशी है घर आ के। बिल्कुल गुरदीप सिंह जी, जिस तरह तुहाड़े पिंड वल्लों भी लगभग काफ़ी मतलब दो तीन महीनों तो जिहड़े होर नौजवान ने उत्थे उह लंगर लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हुण भी कर रहे हैं, उन्हां नूं तुसीं किस तरह देखदे हो? उदा ही भाजी, इदा ही सेवा च लगे रहो, जित हासिल करनी है, असं भी वापस जावे, कोई गल नहीं, अजे घर मिलने वास्ते आए हैं, उस तो बाद फिर वापस जावे उत्थे। बिल्कुल जिहड़ियां शख्सियतां ने, जिहड़े यारां दोस्तां ने, मित्रां ने, किसी ने भी जिहड़ा तुहाडा सहयोग दित्ता थोड़े औखे समय दे विच, जिहड़े उह खड़े ने, उहनां नूं तुसीं किस तरह वेखदे हो, उहनां बारे की कहना चाहुंदे हो? सारे पिंड ने, ग्राम पंचायत ने, मनजिंदर सिंह सिरसा जिन्हां ने साडी जमानत दित्ती है, उहनां दा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, ते पिंड वालिआं दा भी, सारे पिंड ने पूरा फुल सहयोग दित्ता। ठीक है। सो दोस्तों, ये गुरदीप सिंह जी जिहड़े अपने पिंड तकरीबन एक महीना तो बाद रिहाई होने तो बाद पहुँचे ने, सो घर विखे उन्होंने यार दोस्तों के बच्चे, उन्होंने परिवारक मैंबरों में काफ़ी खुशी का माहौल है जी।